वो पहले साथ हम मियाँ था, मिया था अब बाद में रुद्रास हाथ में लपेट के पंडित हुआ जब उसको जानकारी हुआ होगी कि ये हिंदू नहीं है मुस्लिम है पता वो कहे कहे होगी होगी हम हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तुमसे शादी करेंगे ही और दूसरे दूसरा शादी कर लेंगे दूसरे से प्यार करने लग गई होगी तो इसमें कोई बुराई कौन नहीं प्यार करता किसी से कौन गारंटी थी थोड़ी थी थी हम तुमसे प्यार किया और तुमसे शादी करेंगे तो इतना बदमाश था और फिर तो तुम गलती तो तुम्हारी है पहले तुम मियाँ बना साहिल नाम का लड़का था तुम ओके बाद राहुल पहले उसको बताया मैंने राहुल नाम मेरा है मैंने पंडित हुआ जो इतना बेरहमी से कोई जो प्यार करने वाला होगा वो भी नहीं मारेगा वो भी कहेगा कि अगर मेरे नसीब में नहीं है इसका प्यार तो भाई जाए जहाँ इसका सुख मिले वहाँ पे जाए दिल्ली में साक्षी का मर्डर कर दिया जाता है वो भी चाकुओं से 22 से 23 बार वार किया जाता है जब वो फिर भी नहीं मरती उस पर पत्थर से वार किया जाता है फिर भी अगर नहीं मरती है तो उस पर पैरों से प्रहार किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है साहिल नाम का युवा कितना दुर्दान था कि वह बार बार चाकू से उसे गोदता रहा मानो कि जैसे वह पहले से ही अपराध की ट्रेनिंग कर ले रखा हो हम उन्हीं के गांव में हैं और महिलाएं हैं जो गांव के लोग हैं बहुत आक्रोशित हैं गांव ही ही नहीं पूरा देश आक्रोशित है ये गांव के लोग कह रहे हैं कि जो साहिल है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए तमाम लोग हैं गांव के लोग हैं चाची जी साक्षी के बगल आपका घर है हाँ, 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 कब आप लोग को पता चला था कि साक्षी की हत्या कर दी गई है अरे क्या तारीख था तारीख तो पता तीन चार दिन हुआ तारीख ने तीन चार दिन हुआ वीडियो दिन। आपने देखा जो आया उसके तीसरे दिन मैंने देखा तभी इसलिए क्या वीडियो में क्या दिख रहा था अरे बहुत दर्दनाक तरीके से उसका हत्या किया वैसा तो मतलब कैसे क्या? कैसे बताइए थोड़ा अरे बताइए को वो उसका चाकू मारा इकतीस अक, बत्तीस दाई उसके बाद लातों से मारा लातों से मारे पत्थर मारा फिर दूर भाग गया फिर आके मारा इसलिए वो लग रहा है कि पहले का बदमाश था वहाँ इतना जनता थे कि कोई छुड़ाने नहीं लगी लोग उसी हाँ। रास्ते से गुजर रहे थे लेकिन किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया किया वो बदमाश था इसीलिए नहीं किया होगा वो लड़का बदमाश था पहले से पता न कितना बेटियों के साथ ऐसा किया होगा कोई को पता नहीं लगा होगा और बीच चौराहे पे जब हुआ तो पता लगा का पता हो आड़ में किया हो इसीलिए नहीं उसको पहले से कोई सजा मिली और ना कुछ किया हो यहां पे आती जाती थी आती हाँ, आती जाती, पे? थी, हाँ, घर पे जाती थी थी घर पे अभी छह महीने पहले आई थी तो क्या बातचीत हुई थी उस दौरान जब आई थी घर पे उस दौरान में सब कुछ बातचीत नहीं हुई जैसे हम लोग मतलब एक परिवार रहते हैं उसी तरह से रहती थी ये भी नहीं पता लगा कि किसी से प्यार मोहब्बत की थी यो भी नहीं पता लगा किसी से नहीं बातें करती थी तो हम भाई बिना देखे नहीं कह सकते लड़की कैसी थी बिना जाने बिना देखे किसी का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। उस समय लड़की ठीक थी ये छह महीने चार महीने पता ना को लोग जानेंगे उसको माँ बाप जानेंगे कैसी हमारी बेटी है वकील अब सोलह साल की थी इतनी बड़ी गलती तो नहीं करी होगी कि जितना इत बेरहमी से मारा इतना बेरहमी से कोई जो प्यार करने वाला होगा वो भी नहीं मारेगा वो भी कहेगा अगर मेरे नसीब में नहीं है इसका प्यार भाई जाए जहाँ इसका सुख मिले वहां पे जाए वहां पे रहे मगर ये खुद सुखी रहे हमेशा सुखी देखना चाहता है प्यार करने वाला और... पुलिस किसी प्रवीण नाम के शख्स का नाम बता रही थी जो चैट में सामने आया है हालांकि पुष्टि तो नहीं हो पाई है बता रहा था कि साक्षी किसी प्रवीण नाम के युवक से साथ प्यार करने लगी थी इसलिए हुआ था तो जब वो पहले साथ हम मियाँ था और मिया बाद में रुद्रास हाथ में लपेट के पंडित हुआ जब उसको जानकारी हुआ होगी कि ये हिंदू नहीं है मुस्लिम है का पता वो कहे होगी हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे नहीं तुमसे शादी करेंगे बात ही बड़ी होगी और दूसरे कहे हुई हम दूसरा शादी कर लेंगे दूसरे से प्यार करने लग गई होगी तो इसमें कोई बुराई कौन नहीं प्यार करता किसी से कौन गारंटी थी थोड़ी थी थे। हम तुमसे प्यार किया और तुमसे शादी करेंगे तो इतना बदमाश था और फिर तो तुम गलती तो तुम्हारी है पहले तुम मियाँ बना साहिल नाम का लड़का था तुम ओकरे बाद राहुल पहले उसको बताया कि मैंने राहुल नाम मेरा है मैंने पंडित हुआ जब पंडित नहीं था तुम तो क्यों झूठ बोला तो जब जो कोई भी लड़की रहेगी इतना समझ इतना जान जाएगी तो वो भी नहीं करेगी प्यार वो भी नहीं उससे शादी करेगी तो दूसरा लड़का पकड़ेगी जरूर तो गलती उसमें इसका क्या है कोई गलती नहीं है हमारे समझ से से तो तो क्या चाहती हैं हैं अब इस तरह से जो लड़कियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हम यही चाहते हैं कि तो सड़क पे उसका काउंटर कर दिया जाए पूरा जनता के सामने जिस तरह से उसने मारा तरह से उसने उसको मारा है सड़क पे बीस सड़क पे उसी तरह उसको बीस सड़क पे काउंटर कर दिया जाए अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता को बहुत बहन बेटियां हैं सबके साथ ऐसा होगा और कोई लड़का नहीं डरेगा ना कोई लड़की डरेगी अगर ऐसा होगा तो कोई लड़की किसी से प्यार नहीं करेगी और कोई लड़का किसी को ऐसा मौत घाट उतारेगा नहीं हम तो यही चाहते हैं तो अब उत्तर प्रदेश में है घटना दिल्ली में घटती है घटती तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ के क्या कानून व्यवस्था तो ठीक है यहाँ का बाबा साहब हैं बुलडोजर चलवा देते हैं जिसकी इतनी बड़ी सजा और गलती पा जाते हैं और वहाँ को तो मैं भी देख रहे हैं कि भाई हिरासत में रखा है कोई उसकी सुनवाई नहीं है भाई वो बहुत जानकारी ले रहे हैं अब कब तक लेंगे साल लेंगे दो साल लेंगे चार साल लेंगे और इसी इसी जितना दर्दनाक मौत उसका दिया है इसी पे तो ये लगता है कि उसको दस दिन में काबिल एनकाउंटर कर दिया जाए बीस के सामने पूरे जनता के सामने जैसे पूरे जनता के सामने मारा जैसे उसने उसने मारा मारा हाँ, उसको भी उसी तरह हाँ, दे दी जाए हाँ, उस जनता के सामने वैसे जनता के सामने उसको काउंटर कर दिया जाए और जल्द से जल्द या फांसी दिया जाए काउंटर किया जाए बीस सड़क पे और जल्द से जल्द तो जो लोगों की मांग है वो ये है कि जल्दी से जल्दी साहिल हाँ, को जल्द फांसी की सजा हो तो आप लोग भी जो महिलाएं हैं वो भी साथ में आ गई हैं साक्षी मांग कर रही हैं महिलाओं को साथ में आना ही चाहिए क्योंकि हम भी महिला हैं हमारे भी बेटी हैं हम भी किसी की बेटी हैं तो यदि एक बेटी के लिए कोई महिलाएं सामने नहीं आएंगी तो फिर बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी एक के साथ हो तो ये हो रहा है तो यदि एक के साथ नहीं अभी देखो पिछला भी घटना अफ़ताब श्रद्धा का जो हुआ तो वो भी अभी तक हिरासत में ही है और उसका भी अभी तक कोई कुछ सुनवाई नहीं हुआ है तो उसी तरह यदि इसका भी सुनवाई नहीं हुआ तो जैसे उसका सुनवाई नहीं हुआ था इसने भी इस ऐसा कांड किया ये भी बच जाएगा तो दूसरा भी ऐसे कांड करे तीसरा भी करेगा मतलब कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को आ, सजा नहीं दी जाती है तो कहीं न कहीं ऐसी घटनाओं को और अंजाम दिए जाएंगे ऐसी घटना का, का हौसला है जो अपराधियों का हौसला बढ़ता, वो वो बढ़ता जाएगा लोगों अपराधियों का हौसला बढ़ता जाएगा इस पे तो सरकार को विराम लगाना ही चाहिए इस पे जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी इन अपराधियों को सजा सख्त सख्त सजा नहीं देगी मौत हो या तो फांसी की सजा दे या फिर उसका बीच सड़क पे एनकाउंटर करे और उससे भी बुरी मौत उसको दे जिस तरह से लड़की को मारा है चाकू से गोद के पत्थर से मारा है पैर से मारा है जो भी इस वीडियो को देखेगा वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सकता उसका दिल दहल जाएगा महिलाएं महिलाएं जिस तरह से वीडियो देखती है एक महिला की हत्या हो जाती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में भी डर होता है कि जो और बेटियां दिल्ली में निकल रहे हैं जॉब के लिए उनके भी मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है पूरी तरह से डर बैठ गया भैया वो तो जिसकी लड़की थी जो उसके साथ हुआ वो तो हुआ ही औरों को देख के डर बैठ गया हम लोगों को भी दिल में डर बैठ गया कि हम लोगों की भी बेटियां हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगी कैसे पढ़ेंगी कैसे आगे बढ़ेंगी कैसे हम लोग उसका शिक्षा और शिक्षा दीक्षा कैसे हम बच्चों को अपने दे पाएंगे यदि यही हाल रहा तो पढ़ाना है तो बेटियों को बाहर भेजना ही है भेजना ही है यदि बच्चों को पढ़ाना आगे बढ़ाना कुछ कराना तो बिना बाहर गए तो चलेगा नहीं बाहर तो भेजना ही भेजना है लेकिन जब दिल्ली जैसे राज्य में ऐसा हो सकता है घटना तो फिर इंसान के अंदर क्या सबके हम सभी के अंदर डर बैठ गया कि हम लोग अपनी बेटियों को बाहर कैसे भेजेंगे कैसे हमारी बेटियाँ बाहर सुरक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएं हैं गांव की उनमें रोष है महिलाएं कह रही हैं जिस तरह से साहिल ने मारा है उसी तरह से साहिल का भी, भी सड़क पर इंकाउंटर कर देना चाहिए नहीं तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए तो और यह तो जल्द से जल्द होना चाहिए नहीं तो जो अपराधियों का हौसला है मनोबल है वो बढ़ता रहेगा प्रमोद गुप्ता जय भारत अम्बेडकर नगर